ओम सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहे नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अर्थात कहा जाता है कि सभी स्वरूपों में माता ही हैं, सभी की ईश्वरी माँ हैं तथा सब प्रकार की शक्तियाँ उनमें ही समन्वय पाती हैं। सर्वशक्ति संपन्न दिव्य रूपा हे माँ दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करिए, सभी आपदाएँ दूर करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी पटना स्थित अखंड वासिनी या मनोकामना मंदिर। इस मंदिर की एक खास बात आपको हैरान कर देगी, वो ये है कि माँ के समक्ष जलने वाला ज्योत करीब 100 सालों से निरंतर जल रहा है। इसके पीछे की आख्यान क्या है, यह मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, हम ये सभी बातें आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। कहते हैं मन एक मंदिर है जहाँ ईश्वर सद्गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है अखंड वासिनी मंदिर, जहाँ नियमित माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा समय से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ ईश्वर की अखंड पूजा होती है वहाँ शक्ति का वास होता है। स्मरण मात्र से जीवों का कल्याण होता है। भक्त भावनाओं से भक्ति से सराबोर होकर मंदिरों में अपनी श्रद्धा के रूप में फल फूल चुनरी आदि चढ़ाते हैं। राजधानी पटना में गोलघर के पास स्थित माँ अखंड वासिनी मंदिर करीब 150 साल पुराना है। यह मंदिर कई मायनों में खास है। पहला ये कि इस मंदिर में माँ दुर्गा के सामने जलने वाला ज्योत करीब 110 सालों से निरंतर जल रहा है। दूसरा ये कि माँ के चढ़ावे में हल्दी खास मायने रखता है। यहाँ मंगलवार के दिन काफ़ी संख्या में लोग अपनी मुरादें लेकर माँ की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कहा जाता है कि माँ अखंड वासिनी मंदिर की स्थापना पिछले 150 साल पहले हुई थी। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों के आतंक से बचने के लिए इस मंदिर को बनाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है वो अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहते हैं। माँ के चढ़ावे में खड़ी हल्दी और उड़हुल का फूल चढ़ता है। जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो अपनी सुविधानुसार घी और तेल का दिया भी जलाते हैं, क्योंकि मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता 110 वर्षों से यहाँ जल रहा अखंड ज्योत है। यहाँ दो दिए जल रहे हैं, एक घी तथा दूसरा सरसों तेल का। मान्यता है कि घी का दिया घर में सुख शांति यश और वैभव के लिए, तो वहीं सरसों तेल का दिया शत्रुओं के नाश के लिए जलाया जाता है। जिनकी भी मन्नत यहाँ पूरी होती है वो यथासंभव दिया जलाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। नवरात्र के मौके पर भी घी या तेल के 9 दीपक जलाने की परंपरा है। नवरात्र के 9वें दिन माँ के प्रांगण में भव्य भंडारा भी किया जाता है और हलवा पूरी बांटा जाता है। नवरात्र के मौके पर मंदिर में विशेष भीड़ होती है। वहीं सप्ताह के हर मंगलवार को यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अगर आपका कभी पटना आना हुआ तो माँ मनोकामना मंदिर अवश्य जाएं। धन्यवाद।